बरेली में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा को दो शोधों ने ट्रेन के सामने फेंक दिया है। ट्रेन की चपेट में आने से उसका एक हाथ और दोनों पैर कट गए हैं। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही सीएम योगी ने भी सख्ती दिखाई है, पुलिस से जवाबदेही मांगी है, जिसके बाद एसएसपी ने थाने के इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। सीएम योगी ने मामले में अफसरों को मौके पर जाकर पीड़ित परिवार से बात कर कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके बाद बुधवार सुबह कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, आईजी राजेश कुमार सिंह, डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान ने अस्पताल जाकर परिवार और डॉक्टरों से बातचीत की है। उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं दिया और जिसके कारण वो लड़की को परेशान करता रहा और उनका आरोप ये है कि उनके द्वारा लड़की को ट्रैक पे धकेला गया। तो परिवार ने जो भी तहरीर दी है उसी तहरीर पे अक्षरशः मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो और उसके पिता, जिसको ये बात परिवार द्वारा संज्ञान में लाई थी, उसका भी इसमें दोष बनता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाकी जो क्षेत्रीय पुलिस में थाना प्रभारी, हल्का प्रभारी और वहाँ के बीच के आरक्षी, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। बता दें कि डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि यूपी सीएम ने पुलिस से जवाबदेही मांगी है और 5 लाख रुपए मदद का ऐलान किया है। टीम के साथ शिफ्ट कर रहे हैं और उनके जो इलाज में खर्चे होंगे उसकी सारी भरपाई सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से परिवार को इमीडिएटली 5 लाख रुपये का कंपेंसेशन का अनाउंस किया गया है, जो कि हम अति शीघ्र ही उनके पिताजी से मेरी बात हुई है दे देंगे। बाकी प्रशासन द्वारा हर एक तरीके का जो भी मदद होगा वो परिवार वालों को और जो बच्ची हैं उनको प्रोवाइड करना। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश प्रशासन पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं।